नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो महान शख्सियत मौजूद हैं जो धर्म का जगह जगह जाके प्रचार करते हैं, देश विदेश में धर्म प्रचारक हैं पूरे। करुणाशील जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों तक एक बहुत सुंदर विचार पहुंचाते हैं ऐसे न्यूज के माध्यम से, और इससे बहुत बड़ा समाज को लाभ मिलता है। जी, मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहूँगा कि आज जो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं या जितने भी ब्राह्मणवाद लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग जो है या मनुवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, वो पूजा पाठ कम करते हैं और कहीं ज़्यादा बहुजन समाज के लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, तो उसका क्या विशेष कारण है? बहुत लंबे समय तक हम इस सिस्टम से दूर रहे जी। और हमें दूर रखा गया जी। जब भी किसी ने दुस्साहस किया तो उसको मारा गया, पीटा गया जी। तो इस बात के कारण लोगों को लगने लगा पता नहीं इनमें क्या है क्या नहीं है जी। बाबा साहब के आंदोलन के बाद जी, जब हमें सम्मान मिला जी, अधिकार मिले, नॉलेज मिली, नौकरियां मिली, धन मिला जी, तो कहीं ना कहीं हमारे मन के कॉर्नर में वो बात छुपी थी, न जाने देव इनके प्रति क्या शक्ति है क्या है। तो आकर्षण का थोड़ा स्वाभाविक था जी। लेकिन मैं मानता हूँ हम ज्ञान में आकर के भी अज्ञानता की ओर जा रहे हैं जी। इसके पीछे कारण और कुछ नहीं है जी। जो एक सही मार्ग था जो बाबा साहब ने हमें दिखाया, महाकारुण्य बुद्ध की शरण में जाकर के हमें बताया जी। बजाय हम उधर जाने कि हम गलत क्यों गए, इसका कारण ये था कि धर्म के प्रचारक नहीं रहे जी। समाज को जगाने वाले लोग नहीं रहे जी। तो जैसा माहौल बना टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से, लोग उसके ओर आकर्षित होने लगे और वो गलत फहमी में ये रहते हैं कि उन्हें सम्मान मिल रहा है जी। क्योंकि जो ज़्यादा धार्मिक बनता है लोग उसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन ये भी एक कटु सत्य है, आपकी जाति आपके सम्मान में बड़ी बाधक है। आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं लेकिन वहाँ नहीं जा सकते जहाँ की आप कोशिश करना चाहते हैं जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के इतने बड़े संघर्ष के बाद जो परिणाम मिला जी, एक तो सुखद पहलू था कि हम लोग सम्मान के पात्र बने, हमें अधिकार मिले। लेकिन दुखद पहलू ये है कि जो लोग पहली पंक्ति में आए, जो समाज के अगवा बने, वो पुनः अंधेरे की ओर जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि असम न्यूज़ के माध्यम से ये सवाल पूछ करके आपने बहुत सारे लोगों का कल्याण ही किया है। लोगों की समझ में आना चाहिए जी, अगर शक्ति होती जी, तो हम पहले भी अर्जित कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि हमें पूजा नहीं करने दी, ऐसा नहीं था कि हमें कभी भक्ति नहीं करने दी जी। हम देखते थे पहले लोग करते थे, रात जगाते थे, कीर्तन करते थे, कुछ करते थे जी। लेकिन अब थोड़ा सा उसका सिनेरियो बदल गया है जी। हमारी समझ में आना चाहिए, आज सही गलत को हम पहचान पा रहे हैं जी। लेकिन क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था इसलिए लोग भ्रमित होते रहे। मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों की समझ में बात आ जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचारित करें। शक्ति हमारे अंदर है जी। बाबा साहब ने शक्ति के सारे मार्ग खोल दिए हैं जी। आज जो भी हमें उपलब्ध है वो बाबा साहब की वजह से है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे नौकरियां हैं, चाहे धन है, चाहे मान है, सम्मान है, ये भारत के संविधान की वजह से है, बाबा साहब के त्याग और बलिदान की वजह से जी। अगर हमने संविधान खो दिया जी, अगर हमने अधिकारों को पढ़ा नहीं जी, अगर हमने बच्चों को सही तामील दी नहीं, व्यवस्था निर्माण किया नहीं और बुद्ध के मार्ग पर नहीं चले, तो ये सारी पूजा पाठ ये रही रखी रह जाएंगी और फिर हम दोबारा से एक अंधकार के युग में चले जाएंगे। तो इस बात को समझना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।